I don't know what we're waiting for. But in any event, let's go straight across to our friend from Uttar Pradesh, from the Samajwadi Party, Kirti Nidhi Pandeji is what hamare saath hai. Kirti Nidhi Pandeji, namaskar. Namaskar. नमस्कार सर, कैसे हैं? कैसे हैं गोरखपुर से इस वक्त? कीर्ति पांडे इस वक्त हमारे ठीक है सर, बढ़िया. और जब तो सर, ये पहले वो जो वो क्या है, क्या कहते हैं, वो नाजुल लैंड है, कौन सी लैंड है वो जमीन जो वो एक्वायर करना चाह रहे हैं? नुजूल लैंड. नाजुल लैंड, हाँ वही तो. नुजूल. चलिए नुजूल से. जी जी. तो एक तो वो हो गई और उसके ऊपर से वो क्या है, वो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट आ गया. तो ये क्या क्या चल रहा है सर? ये मतलब क्या क्या है, ये किसकी तैयारी चल रही है, ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे. तैयारी मतलब यही सब्जेक्ट रह गए क्या पूछ सर? मैंने तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है कि अपने मित्रों को लाभ देना. नुजूल लैंड की जमीन खोजी जाएगी, वक्फ बोर्ड की जमीन खोजी जाएगी और अपने लोगों को दी जाएगी. जी अभी देखिए, अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन जो सेना के लिए रखी गई थी, उसमें तीन व्यक्तियों को, अडानी को, रामदेव जी महाराज को और एक रविशंकर जी हैं शायद उनको, तीनों व्यक्ति को 13,000 एकड़ भूमि दे दी गई. रामदेव बाबा रामदेव बाबा जी को, रविशंकर रविशंकर जी क्या नाम है वो, श्री श्री रविशंकर जी हैं और मिस्टर अडानी जी हैं, जिनको 13,000 एकड़ जमीन दे दी गई. अब इस तरीके से अपने लोगों को लगातार लाभ देने की एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जिसे आप देखेंगे कि किसानों के कर्ज माफी के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पर, जहां सरकार इस बात का रोना रोती है, पुरानी पेंशन बहाल करने के सवाल में पैसा नहीं है, और जब पुराने रिकॉर्ड्स बैंक के देखे जाएंगे जो बैंक कमजोर हो रहे हैं, तो देखा जाएगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे लगातार माफ हो रहे हैं, लगातार बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए जा रहे हैं. तो इस तरीके की जो रणनीति है कि आप देखिए कि सरकार करना क्या चाहती है, सरकार बड़े लोगों को लाभ देना चाहती है. मतलब बड़ी कंपनियों में जो सिर्फ 43 कंपनी, देश की बड़ी कंपनी ऐसी है जिसपे कर्जा था 5,44,000 करोड़ का, और हेयर कट पे स्कीम लाया सरकार ने कि इनका कर्जा थोड़ा ले लिया जाए, कुछ ले लिया जाए, और हेयर कट में 43 कंपनियों में 3,53,000 करोड़ माफ कर दिया. 5,44,000 करोड़ के कर्जे में 3,53,000 करोड़ कर्जा माफ करके अब इस देश की पांचवी अर्थव्यवस्था, दुनिया में वर्ल्ड विश्वगुरु बनने का सपना एक किस तरीके से करना चाहते हैं, ये बात देश की जनता धीरे धीरे समझ चुकी है. और उसी का परिणाम है कि जो लोकसभा चुनाव में इस तरीके के परिणाम आए, अब लगातार इसी तरीके के परिणाम देश में देखने को मिलेंगे. पांडे जी, बार बार राहुल गांधी जी भी कह रहे थे कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को हमको जिंदा रखना है. आज जया बच्चन जी और धनखड़ साहब के जो आपस में जो विवाद हुए, जया बच्चन जी ने क्लियर कट कहा कि आपके टोन ठीक नहीं है धनखड़ साहब, हम आपको आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मगर टोन ठीक नहीं है. तो धनखड़ साहब बढ़ गए. तो क्या ये पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, कहां कहीं ना कहीं जो आरएसएस भी कह रहे थे, मोहन भागवत जी भी कह रहे, लोअरिंग द लेवल ऑफ डिबेट्स, ये डिबेट्स के लेवल पांडे जी बहुत बिलिटल हो रहा है, छोटा हो रहा है, यू नो वेरी लो हो रहा है, कैसे देखते हो आप? जया बच्चन ने जिस प्रकार से धनखड़ साहब को सुना दिया कि ये ठीक नहीं है, आप इस प्रकार से हमें बिहेव नहीं कर सकते, वी आर इक्वल्स, और आप चेयरमैन है पांडे जी. मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि लोकसभा में स्पीकर हूं या राज्यसभा में सभापति हूं. जी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस दल की सरकार होती है, जिस पार्टी की सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है, जी उसके कृपा पर ही दोनों जगह लोग चयनित होते हैं. जिसका बहुमत ज्यादा रहता है उसका उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा में सभापति के चेयर पे बैठेंगे, और जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा होंगे वो लोकसभा में स्पीकर. लेकिन कहीं न कहीं इस बात का अभाव दिख रहा है लगातार कि निष्पक्षता कम दिख रही. चेयर निष्पक्ष है,
लेकिन उस पर बैठने वाले निष्पक्ष नहीं हो पा रहे, जिसका परिणाम हो रहा है कि लगातार सदन में आप बिहेव देखेंगे, जब चाहे स्पीकर हो चाहे माननीय सभापति जी हो, जब आप इनका बिहेवियर देखते हैं सदन के अंदर, तो आप देखिए विपक्षी सांसदों के साथ किस तरीके से बिहेव होता है और पक्ष के सांसदों के साथ किस तरीके का बिहेव होता है। ये कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो निष्पक्षता है वो नहीं दिख पा रहे, और जिसका परिणाम आज जया बच्चन जी ने जो बात कही, ये स्कूल के टीचर नहीं है सभापति जी, स्कूल के टीचर नहीं है कि जो बच्चों की तरह डांट रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, अपमानित करने का प्रयत्न। जया बच्चन जी कोई पहली बार राज्यसभा में नहीं गई है, पांचवी बार की मेंबर है राज्यसभा में, और लगातार सदन की कार्यप्रणाली को देखा है। ये पहली बार है कि किसी सभापति के लिए जया बच्चन जी ने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रही है, जो हमारे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक महिला सांसद जो बहुत सीनियर है, और उन्होंने अपने को कहा कि मैं एक्टर हूं और मैं समझती हूं टोंड को, तो करें एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से काम करेगा। तो सर ये आपसे जानना था कि पांडे जी, एक सेकंड, वो हम लोगों ने पूरा देखा जो जया जी और जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं उन दोनों के बीच में जो तर्क वितर्क की जो बात हुई, जया जी ने ऐसा क्या कह दिया कि वाइस प्रेसिडेंट साहब इतना भड़क गए? मतलब क्या, व्हाट, क्या है मतलब? हमने तो देखा लोगों ने लोग पता नहीं क्या 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 बोल जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। जया बच्चन जी ने सिर्फ इतना कहा कि सर हम आपके टोन को समझते हैं जी, और ये तरीका ठीक नहीं है, और वो भी पूरा नहीं कहा, टोन को समझते तरीका नहीं सर, नहीं। कीर्ति निधि पांडे जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, उन्होंने कहा कि मैं एक्टर हूं, अभिनय करना जानती हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, आवाज समझती हूं, और आपकी टोन जो है वो, फिर उन्होंने चुप्पी साधी, बोली नहीं, जबान से उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं ये जानना चाहता हूं कि धनखड़ साहब इतना भड़क क्यों गए, काहे के लिए? अब धनखड़ साहब कल नहीं भड़के, जब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता एलओपी के खिलाफ लगातार प्रवचन कर रहे थे, तो धनखड़ साहब चुपचाप सुन रहे जी। पिछले कार्यकाल में भी, जब लोकसभा की इसके पहले का कार्यकाल था, राज्यसभा का भी कार्यकाल था, तो आपने देखा होगा कि जब एक टीएमसी के सांसद ने धनखड़ साहब की मिमिक्री कर दी, तो धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं देश के, उन्होंने कहा कि एक जाट का अपमान हो गया। उन्होंने एक नहीं, ये नहीं कहा कि सभापति का अपमान, उपराष्ट्रपति का अपमान है, कहा एक जाट का अपमान हो गया। और कल तक जो जाट के अपमान की बात करते थे, कल उसी राज्यसभा में जाट बेटी विनेश फोगाट, जिसके साथ पूरा देश खड़ा है, उसके सवाल पर चर्चा नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। तब शायद भूल गए कि जो अपने को जाट कहते थे, जो जाट के स्वाभिमान और सम्मान से अपने अपमान को जोड़ रहे थे कल तक, वो एक जाट बेटी, हरियाणा की बेटी, जो इस देश की बेटी है, जिसके साथ पूरी देश की बेटियों की, महिलाओं की, पुरुषों की, सबकी संवेदना थी, उसके सवाल पर चर्चा तक नहीं होने दिया राज्यसभा। ये जो पार्शियलिटी होती है सदन के अंदर, तब सवाल खड़ा होता है सभापति पर भी और स्पीकर पर। पांडे जी, क्या लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ यूपी में? अखिलेश यादव जी ने हाईलाइट किया, बेटी बचाओ के बात तो आप करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी आपने कहा कि जो भी महिलाओं से मिसबिहेव करेंगे उनका राम नाम सत्य है। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके एक छोटी सी बच्ची विक्टिम, रेप विक्टिम का हथरस, अखिलेश जी का कहना है कि क्राइम कैपिटल बन चुका है, क्राइम कैपिटल। क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ बोलते हैं बेटी बचाओ और महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, इसके बातें करते हैं, बट नो राइट्स, कोई लॉ एंड ऑर्डर, क्या लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है यूपी में, स्पेशली हथरस को क्राइम कैपिटल बोला अखिलेश यादव जी ने? पांडे जी देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो हम लोगों ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कई काम किए और ऐतिहासिक काम हुआ। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जहां 10-90 योजना शुरू किया, वही गांव में पीड़ित परिवार तक
हर व्यक्ति जो पीड़ित है उसके तक पुलिस पहुंचे, इसका बेहतर इंतजाम डायल 100 के रूप में समाजवादी पार्टी की सरकार ने, और पूरे देश में एक नजीर बनाया हम लोगों ने डीजीपी मुख्यालय बना करके, और सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस व्यवस्था डायल 100 में हमने देने का कहा। मुख्यमंत्री जी जब से सरकार में आई योगी आदित्यनाथ जी, तब से लगातार वो एक बात कहते रहे कि जो अपराधी सरेंडर कर दे नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी लगातार बेटियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही, लगातार बेटियां अपमानित हो रही हैं, और कितनी शर्म की बात है 2.5 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो, और सरकारें पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करें। आपने देखा लखनऊ के गोमती नगर में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उस राजधानी में 16 बच्चों ने मिलकर के उस बरसात के दौरान एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, जिसको 20 सड़क पर के गिरा दिए और उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, 16 व्यक्ति थे उसमें, लेकिन मुख्यमंत्री को केवल एक मुस्लिम और एक यादव का नाम याद आया, ना किसी साहू का नाम याद आया, ना किसी सिंह का नाम याद आया, ना किसी ब्राह्मण का नाम याद आया, जबकि सब के सब उसमें शामिल। तो जब पार्सियलिटी के तहत कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री, जाति विशेष के आधार पर कार्रवाई होगी, धर्म विशेष के आधार पर कार्रवाई होगी, तो क्राइम का रेट बढ़ेगा, और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा शहर जनपद नहीं जहां लगातार प्रतिदिन कोई ना कोई घटना सामने ना आ रही, जिसका संज्ञान नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी न लेते हो, उस पर सवाल न खड़ा करते हो, सरकार को चेताते ना हो, लेकिन उसके बाद केवल मुख्यमंत्री बातों से सरकार चला रहा है। अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूं। अयोध्या की एक घटना हुई, एक बिटिया के साथ रेप हुआ, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा उसका डीएनए टेस्ट हो जाए, जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, किसी के साथ कोई मरवत ना हो। मुख्यमंत्री जी के प्रशासन ने उस नेता के बेकरी हाउस को गिरा दिया, उसका घर गिराने की तैयारी में है, उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके उसको जेल भेज दिया। लेकिन क्या यह सवाल नहीं खड़ा होता कि बीएचयू के बिटिया के साथ घटना करने वाले, जो 2 महीने तक मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे, आईटी सेल के पदाधिकारी, उनके 3-3 पदाधिकारियों के घर बुलडोजर क्यों नहीं गया? मुख्यमंत्री से मिलकर के, परसों की घटना है, मुख्यमंत्री से मिलकर के एक पीड़िता उन्नाव की अंजलि अपने बेटे के साथ गई थी मुख्यमंत्री से न्याय मांगने, और न्याय नहीं मिला, उसको भरोसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के से मिलने के बाद भी न्याय मिलेगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के बाद अपने बेटे को एक किनारे बैठा करके, 2-2.5 साल के बेटे को उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा लिया। यह भरोसा उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर लोगों का कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उस महिला को यह भरोसा नहीं हुआ कि हमको न्याय मिल पाएगा, और उसने पेट्रोल छिड़क करके आग लगा लिया अपने शरीर को। संकट में उसका पूरा शरीर, उसका पूरा परिवार, वो बेटा पड़े हुआ। यह है सरकार की कार्यप्रणाली। इसलिए हमारे नेता लगातार कह रहे हैं कि क्राइम प्रदेश उत्तर प्रदेश बनता जा रहा, क्योंकि अपनों का संरक्षण कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और जाति और धर्म के विद्वेष के तहत लोगों के खिलाफ फंसा करके एक साजिश के तहत कार्रवाई कर रही है। एक चीज है सर, इसलिए ये बताएं पांडे जी, इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा गर्वान्वित अपने आप को महसूस करते थे योगी आदित्यनाथ जी और उनके जितने भी समर्थक हैं कि उत्तर प्रदेश से क्राइम हमने खत्म कर दिया है, बुलडोजर बाबा बोला करते थे अपने आप को, ये कहते थे कि जितने भी माफिया हैं सबका खात्मा कर दिया है। तो ये अब क्या हो गया, पिछले 1-1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं, क्या क्या कुछ बदलाव आया है? देखिए देखिए, मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, उनके घर बुलडोजर बाबा का जल्दी जाता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक फंस जाते हैं तो बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाता है। विनेश फोगाट
जिसके ऊपर पूरी दुनिया को नाज है, देश को पूरे नाज है हमारे भारत देश के हर एक नागरिक को जिस बेटी पे नाज है, वही बेटी तो न्याय मांग रही थी दिल्ली की सड़कों पर। क्यों नहीं चला बुलडोजर ब्रिजभूषण तरह सिंह के घर पे, क्यों नहीं चलवाया? मैंने बनारस की बात बताई, क्यों नहीं चला? आगरा में उस मौर्य परिवार की बिटिया के साथ जो हुआ उसके आरोपियों पे क्यों नहीं चला? आजमगढ़ की घटना पे अपने लोगों पे क्यों नहीं बुलडोजर चला? यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक साजिश के तहत पक्षपातपूर्ण तरीके से जब कार्रवाई होगी तो क्राइम बढ़ेगा। और अब क्राइम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है। और मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार को अपराधी बताते थे, अतीक को अपराधी बताते थे जी, क्या बनारस के ब्रजेश सिंह जी संत हैं? क्या जौनपुर में धनंजय सिंह संत हैं? हम लोग तो लगातार इस बात की मांग करते रहे कि उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टरों की अपराधियों की एक सूची जारी कर दीजिए कि पूरा देश जान जाए कि कौन कौन से लोग अपराधी हैं। क्यों नहीं जारी किया गया? केवल इसलिए नहीं जारी हुआ कि अपने लोगों का संरक्षण हो सके, क्योंकि जिस दिन सूची जारी करेंगे, अगर ईमानदारी से सूची जारी हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होगी, अगर बेईमानी से सूची जारी होगी तो उनके लोगों की सूची हम लोग जारी करेंगे। इसलिए आज तक पिछले 3-4 सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं, आज तक कोई सूची उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों की नहीं जारी कर पाए उत्तर प्रदेश। तो सर ये तो बैकफायर कर रहा होगा ना, इनको मालूम नहीं है क्या? अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए, आप 37 सीट जीत करके आ गए, 37 सीट सर जी, तो क्या इनको मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है 2027 में? देखिये जो स्थितियां हैं 2027 तो दूर, 2024 के परिणाम के बाद जिस तरीके से इनके नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आपने देखा मुजफ्फरनगर में संजू बालियान के ऊपर संगीत सोम का आरोप, संगीत सोम के ऊपर संजू बालियान का आरोप, और दोनों एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, कोई बाहरी नहीं बता रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों कद्दावर नेता दोनों एक दूसरे को भ्रष्टाचारी और लुटेरा बता रहे हैं। और किस तरीके से भ्रष्टाचार पे इनके विधायक बोल रहे हैं लगातार, इनके एमएलसी बोल रहे हैं, और लगातार आप 37 की बात करते हैं, मैं 43 की बात करता हूं। इंडिया गठबंधन आदरणीय उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 43 सीट लोकसभा में जीतने का काम किया, और उत्तर प्रदेश ने ही भारतीय जनता पार्टी को इस देश में बहुमत पाने से रोकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी अगर आज बैसाखी पे चल रही है देश केंद्र की सरकार, तो वो श्रेष्ठ समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रयास से, पीडीए के रणनीति से केंद्र की सरकार बैसाखी पे चली गई, और दम भरने वाले, 80 में 80 की बात करने वाले आज दूसरे नंबर की पार्टी हो गए उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी और देश में नंबर 3 की पार्टी। ये जनता बखूबी समझ रहे, ये बात नेता भी समझ रहे, इसीलिए कभी डिप्टी सीएम सीएम पे आरोप लगा रहे हैं, कभी सीएम डिप्टी सीएम पे कटाक्ष कर रहे हैं, ये आपस की खींचातानी इस बात का प्रतीक है कि 27 में तो इनको जाना तय है। यू नो पांडे जी, ये वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स के लिए क्या तकलीफ है? अगर बात यह है कि बहुत सारे हिंदू प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड कन्वर्ट करते हैं मुस्लिम मीन्स वक्फ प्रॉपर्टी में, तो यह संशोधन इसलिए है कि कोई ऐसे प्रॉपर्टीज ना उलझे, नॉन मुस्लिम के प्रॉपर्टीज ना उलझे। रिफॉर्म्स इसलिए भी लाया है कि एक प्रकार से जो करप्शन है पूरे सिस्टम में उसको, तो वहां पर क्यों विरोध हो रहा है, क्यों ऑपोजिशन उसको आप अपीसमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं? क्या आपका जो विरोध है मुस्लिम अपीसमेंट नहीं कहा जाएगा कि आप मुस्लिम अपीसमेंट करना चाहते हो पांडे जी? देखिए देखिए, वक्फ बोर्ड जो का जो बिल है, वक्फ बिल, उसमें हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन के अंदर कहा हम इस बिल के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ अपने पार्टी के अंदर कट्टरपंथी जो है उनके पार्टी के अंदर, उनके तुष्टिकरण के लिए इस तरीके की बिल ला रहे। और मैंने कहा ना कि जिस तरीके से लोगों को जमीनों का दान किया जा रहा है, लगातार अपने लोगों को जमीनें जिस तरीके से दी जा रही,
वो कल वक्फ बोर्ड में तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने पूछा कि कल आप कहोगे कि ये बिल्डिंग भी वक्फ बोर्ड की है, खाली करो कोर्ट को। कल किसी की जमीन को आप कहोगे वक्फ बोर्ड की जमीन है, जो लोग सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। कल तो कोर्ट का भी इस पे जजमेंट आया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, उसको उस कोर्ट ने भी एक तरीके से इस बिल को अवैध ही बताया। तो सर आप ये बताएं कि जहां तक जैसे वक्फ बोर्ड अभी जो जिस तरीके से अभी वक्फ बोर्ड संगठित है, क्या उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है जो सरकार लाना चाह रही? देखिए, अगर वक्फ बोर्ड बिल जो सरकार लाना चाह रही है, सरकार के अंदर भी बड़ा विरोध है, एनडीए के अंदर भी विरोध है, और इसी विरोध का नतीजा है ये बिल जेपीसी को भेजी जा रही है। जी भेजिए। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसका इसको डिसाइड करेगी, इस पर तय करेगी, आपस में विचार विमर्श करेगी, सभी दल के एमपीज हैं उसमें, अगर सब बैठ के तय करेंगे, अगर बिल पास होने की स्थिति में होगा तो फिर उसको सदन में पास करने के लिए रखा जाएगा, और अगर तो कोई गड़बड़ी होगी तो उसको निरस्त करने के लिए कहा तो जाएगा। नाजुक जमीन जो थी उत्तर प्रदेश की, जिसमें बिल पास भी हो गया असेंबली में, तो उसको लागू क्यों नहीं किया गया सर? कहां बिल पास हो पाया असेंबली में? नुजूल लैंड बिल ना जी, नुजूल लैंड बिल ना जी, वो नहीं पास हो पाया, वो भी संयुक्त कमेटी को भेजी गई है विधान परिषद में। लेकिन लाए क्यों फिर उत्तर प्रदेश में वो बिल? लाया और गया? और देखिए नुजूल लैंड बिल भी, नुजूल लैंड बिल के खिलाफ भी हमने तो विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने तो विरोध दर्ज कराया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं उन लोगों ने भी विरोध दर्ज किया जी, राजा भैया ने विरोध दर्ज कराया, सहयोगी दलों ने उनके विरोध दर्ज कराया, और जिसका नतीजा रहा विधान परिषद में वो संयुक्त समिति को चली गई। अब संयुक्त समिति वहां भी डिसाइड करेगी नुजूल लैंड बिल को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की नियत में खोट है, और इसीलिए बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वक्फ बोर्ड बिल गया। ये कहा जा रहा है कि नुजूल एक्ट बिल जो है, नुजूल लैंड बिल, ये नुजूल एक्ट बिल जो था, ये नुजूल बिल जो था संशोधन जो नुजूल बिल में, जिससे सरकार को इस सारी जमीन मिल जाती, ये कहा जा रहा है कि ये क्या गरीबों की जमीन हड़पने की एक साजिश थी, क्या था ये? देखिए, नुजूल लैंड जो है कई वर्षों से उस पे गरीब रह रहा है, सैकड़ों वर्षों से। अब सरकार वो जमीन तो ले सकती है, एक तरफ सरकार कहती है कि हम गरीबों को छत देंगे, गरीबों को आवास देंगे, दूसरी तरफ नुजूल लैंड बिल ला करके गरीबों को आवास विहीन करना चाहती है सरकार। और लगातार मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के साथ साथ पक्ष के भी विधायक इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे जी, इसीलिए तो बिल नहीं पास हो पाया। बिल नहीं पास है नुजूल जी, प्रदीप जी, नुजूल लैंड बिल इसीलिए नहीं पास हो पाया क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधायक भी इसका विरोध कर रहे हैं। आज संयुक्त समिति के पास जब ये बिल जाएगा वो उस पर अपना राय रखेंगे, फिर जो निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से सदन में जब आएगा तो उस पर चर्चा समाजवादी पार्टी करेगी। पांडे जी, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि घर से नल से, हर घर नल से जल, 15 करोड़ के फिगर हम टच किए, 15 करोड़। बाद में उन्होंने कहा कि पीएम किसान, और आज आप देखो किस प्रकार से डिजिटल रेवोल्यूशन हो गए, हमारे किसान है स्मार्टफोन से ट्रांजैक्शन करते हैं, स्मार्टफोन से। पीएम किसान 80 करोड़, जो पूरा आवास योजना 4 करोड़, और जिस प्रकार से एक एक आंकड़ा, उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, हर घर नल से जल, तो ये क्या डेवलपमेंट है? बोले मोदी जी, मोदी 3.0, उनका कहना है कि मोदी 3.0 थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 3 करोड़ घर आवास योजना और 3 करोड़ लखपति दीदी। तो ये मोदी जी एक स्वप्न लेकर रखा है, ये थर्ड टर्म में ये सब हासिल करेंगे, तो कहां प्रॉब्लम है? बोले कि ऑपोजिशन को साथ में जुड़ के ये सब सपने इस देश का ठीक करना है, उसमें योगदान देना चाहिए, साथ में कॉपरेट करना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हर जगह आप विरोध करते रहते हो,
तो कैसे देखते हो विकसित भारत के सपने? मैंने मैंने कहा ना कि भारत विकसित हो ये सब चाहते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कही कि भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम पांचवी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया में बन जाएंगे, लेकिन दुनिया में प्रति व्यक्ति आय के सवाल पर हमारा स्थान 145वां है, 145 नंबर पर हम पूरे दुनिया में 142वें स्थान पर हम पूरी दुनिया में हैं प्रति व्यक्ति आय के सवाल पर, और देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी हो जाएगी, इसका दम भारतीय जनता पार्टी पर। किसान कहता है हमारी एमएसपी दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पैसा नहीं। छात्र कहता हमारी फीस माफ कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा पैसा नहीं। अग्निवीर कह रहा कि हमको पक्की नौकरी दीजिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं उतना पैसा नहीं। विपक्ष कह रहा महंगाई कम कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसकी व्यवस्था नहीं। और पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा है? आपको मैंने बताया कि 5,44,000 करोड़ रुपए का कर्जा, केवल 43 कंपनियों पे था, 3,53,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। किसान का कर्ज माफ करना तो पैसा नहीं, पांडे जी एक चीज, मोदी जी ने तो पैसा नहीं, मोदी जी ने कल ही ट्वीट किया, बोले कि पीएम किसान योजना पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, 11 करोड़ किसान, 17 इंस्टॉलमेंट, हमने 3.24 लाख करोड़ ट्रांसफर किए, और ये पूरे दुनिया में एक किस्म के रिकॉर्ड है, नंबर वन। तो क्या यह आंकड़ा जो मोदी साहब दे रहे उसमें कुछ विवाद है, डिबेट है? नहीं नहीं, देखिए जो जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं किसानों को, सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को, हम उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि 2,000 रुपए की 3 किस्त है, एक किसान के लिए 6,000 रुपए में हमें लगता है खाद की बोरी भी नहीं हो पाएगी, जिस खाद की बोरी को पार्ले जी बिस्कुट की तरह से लगातार कम कर रहे हैं, 5-5 किलो लगातार उस बोरी से कम हो रहा, जिसे पार्ले जी का बिस्कुट है 5 रुपए दाम है, लगातार उसके ग्राम कम होते हैं वजन, उसी तरह यूरिया से भी लगातार 5-5 किलो कम हो रहा है। 6,000 रुपए में किसान को न तो यूरिया पर्याप्त मिल पाएगा, न तो डीजल का पैसा हो पाएगा। मैं कह रहा हूं इस सब देने से बेहतर है कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए, उनकी आय दुगुनी हो, इसकी व्यवस्था नहीं कर पाया आज तक प्रधानमंत्री जी, जो कमिटमेंट था 2014 में। प्रधानमंत्री जी सिर्फ सपना दिखाते हैं, 2014 में जितने सपने इस देश को दिखाया था प्रधानमंत्री ने, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, अब की बार फला सरकार, आज बेरोजगारी कहां, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार फला सरकार, 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी थी, आज तक नहीं कर पा, किसान आत्महत्या कर रहा, कभी प्रधानमंत्री जी के पास इसका आंकड़ा मिला कि इतने सम्मान निधि देने के बाद भी इस देश के अंदर लाखों किसान हर साल आत्महत्या कर रहा, छोटे छोटे कर्ज में आत्महत्या कर रहा, क्या उसके कर्ज नहीं माफ होने चाहिए इस देश में? क्या फसल पैदा कर रहा उसका उचित मूल्य उसको नहीं मिलना चाहिए? क्या लीगलाइज नहीं होनी चाहिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस देश के अंदर? क्यों नहीं करना चाहते? इन्हीं की सरकार के खिलाफ आंदोलन में 3 काले कानून के खिलाफ कृषि काले कानून, लगभग 700 से ज्यादा किसान मर गए, शहीद हो गए। क्या कभी उन किसानों के परिवार से प्रधानमंत्री जी ने हालचाल पूछा? प्रधानमंत्री जी बातें बहुत करते हैं, प्रधानमंत्री जी नीरज चोपड़ा को बधाई देंगे, लेकिन जो विनोद फोगाट इस दुनिया के अंदर ओलंपियाड में
भारत के लिए गोड ला सकती थी उसके लिए एक बार भी प्रधानमंत्री जी के शब्द में निकले, एक बार भी उस विनेश फोगाट से बात नहीं कर पाए प्रधानमंत्री जी। ये देश देख रहा। सर ट्वीट तो किया हूं। ट्वीट कब किया जी? कब किया ट्वीट? जब वो बाहर हो गई परसों ट्वीट किया है, और उसके बाद पीटी उषा से बात भी करी है, और ये भी कहा, और हरीश सालवे को भी भेजा आज पेरिस कि भाई आप केस लड़िए उनका। देखिए जिस तरीके से लड़ाई होनी चाहिए थी, अगर मजबूती से सरकार विनेश फोगाट के साथ खड़ी होती जिस तरह विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था, तो हमें भरोसा था जिस तरीके से कहीं न कहीं नियमों में भी अनदेखी की गई विनेश फोगाट के साथ। क्योंकि एक बात लगातार जो विनेश जी कह रही थी कि हमारे खिलाफ साजिश हो सकती है, उसी की बुआ रही। एक दिन में वजन बढ़ गया, तीन तीन कुश्ती एक दिन लड़ने के बाद जब लगा कि विनोद सब गोल्ड मेडल जीत जाएगी, तो ये बात क्यों ना कहा जाए कि कहीं कहीं साजिश की शिकार हो गई उन लोगों की, जिसको जवाब देना पड़ता, जिसके खिलाफ विनेश न्याय मांग रही थी उन लोगों को जवाब देना पड़ता, जो लोग विनेश के कुश्ती चैंपियन होने पर सवाल खड़ा कर रहे थे, उनके लड़ने के तरीके पर सवाल खड़ा कर रहे थे, उनको जवाब देना पड़ता गोल्ड मेडल जीतने के बाद। या आपको नहीं लगता कि सरकार ने अनदेखी की विनेश गोल्ड क्या सिल्वर ही जीतने के बाद? सर क्या बात कर रहे हैं, अगर फाइनल हार भी जाती फिर भी बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। मैं कहा एक दिन में तीन तीन कुश्ती जीतने वाली बेटी का वजन रात भर में बढ़ गया जी, रात भर में बढ़ गया, दुरुस्त बात। और सरकार उस बेटी के साथ खड़ी नहीं हो पाई, और जगदीप धनखड़ साहब उसके ऊपर डिस्कशन भी अलाउ नहीं कर रहे, अपने को जाट कर रहे थे। पिछले गवर्नमेंट मोदी पार्ट टू में कह रहे थे जब उनके खिलाफ क्या कहा जाए, उनकी मिमिक्री कर दिया था टीएमसी सांसद ने जी, तो जाट समुदाय का अपमान, तो कह रहे थे जाट का अपमान हो गया जी। और एक जाट बेटी विनेश फोगाट जिसके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे देश की संवेदना उसके साथ थी, मतलब उस बेटी के सवाल पे चर्चा नहीं हुआ होने दिया राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर नहीं चर्चा हुआ। लोकसभा में खेल मंत्री क्या बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे उनके साथ हुआ क्या, ओलंपियाड का नियम क्या, ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर खर्च कितना किया सरकार ने, मतलब कितनी शर्म की बात है, ये खिलाड़ी के ऊपर कितना रुपया खर्च हुआ सर, किसका पैसा है वो, देश का पैसा है सर, सरकार सर खेल मंत्री जी की, खेल मंत्री जी की जेब से नहीं गया है लग रहा उनके, नहीं नहीं उनको खेल मंत्री जी बता ऐसा रहते कि लग रहा था उनके जेब से पैसा जा रहा है सर, लोगों का पैसा, ये हमारे टैक्स, हम टैक्स पेयर, हमारा पैसा है जी, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है जो उस बिटिया पे खर्च हुआ, कोई सरकार ने एहसास नहीं किया है। वो जितने खिलाड़ी हैं देश के जो ओलंपियाड खेलने गए सबके ऊपर खर्च हुआ जी, हुआ है सबका हिसाब तो नहीं हुआ, नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता उनके ऊपर कितना खर्च हुआ है तो खेल मंत्री जी ने नहीं बताया। ये सरकार विनेश फोगाट जी के साथ कल भी अन्याय कर रही थी और आज भी अन्याय कर रही है, और लगातार वो प्रयास, कोई ऐसा प्रयास नहीं छोड़ना चाहती जिससे उनका अपमान न हो। कहने का मतलब ये हुआ, पांडे जी कि अगर विनेश फोगाट जो है अगर वो मेडल लेकर के यहाँ हिंदुस्तान वापस आती तो बहुत लोग शायद तिल मिला जाते, कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल उनको जवाब देना पड़ता, कल तक विनेश फोगाट जी के ऊपर ये सवाल खड़ा हो रहा था ना कुश्ती संघ की तरफ से कि वो लड़ना नहीं चाहती, प्रैक्टिस नहीं करना चाहती, भारत में नहीं खेलना चाहती, सीधे ओलंपियाड खेलना चाहती, तो ये ओलंपिक में जीत जो था ये बहुत बड़ी जीत साबित होती। और अभी भी अगर आप ट्विटर पे देखें जो एक्स कहते हैं अभी आजकल उसको, वहां पर भी बहुत लोग जो हैं मतलब विनेश फोगाट के साथ खड़े होने के बजाय उनकी तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं और नमक छिड़क रहे हैं सर जख्म पे। देखिए वे ये वही लोग हैं हम विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं अभी, नीरज चोपड़ा की बात नहीं कर रहे जी जी। मैंने मैं ये वही लोग हैं जो विनेश फोगाट जी के एक्स पर अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये टीम वही है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि विनेश फोगाट जी फाइनल खेल करके गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लेकर के भारत लौटे,
ये उसी टीम के हिस्सा है, उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है। फिलहाल तो अभी केस चल रहा है सर, आर्ग्यूमेंट चल रही है, उम्मीद करते हैं कि अगर हम लोगों के फेवर में अगर निर्णय आ जाए तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, वेरी फ्रेंकली देखिए, बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हो जाए, आपको बताता हूँ, हो जाए तो बहुत जबरदस्त। हमारे आप जैसे इस देश के तमाम लोग जी, करोड़ों करोड़ों लोग चाहते हैं कि इस देश की बेटी विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिले जी। फाइनल में गई है, फाइनल नहीं खेला उसने, तो अगर कोई फाइनल में विजेता हुआ तो विजेता अपने आप विनेश फोगाट होती है। ये तो बहस का विषय है, कोर्ट में बहस होगा, सालवे साहब गए हैं तो बहस करेंगे, लेकिन हम सब की इच्छा है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिले, और वो जिस तरीके से विदाई हुआ है उस संन्यास में भी चार चार लग जाए विनेश फोगाट जी के, ये हमारी शुभकामनाएं हैं सर। ऐसा ही हो, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो जी। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच सर, आप गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत मजा आता है सर, आप इसी तरह बेबाक तरीके से बात करते रहें, थैंक यू वेरी मच सर, नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पर आई होप समथिंग कम्स आउट नॉट ऑफ द सीएएस, द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड स्पोर्ट्स, आई होप द बेस्ट विल हैपन। Definitely, I mean, as you say, the best team has gone from here to represent the country. And there are four French lawyers representing her pro bono. They're not charging any money. And they're going to be arguing on her behalf. So I hope it happens. Only thing is that rules are rules. What do you do? Fact is, she was overweight. Irrespective of whatever happened, she's responsible, team's responsible, whoever is responsible. Fact is, she was overweight. Yes. That's it. And the rules are the same for everybody. But and Haryana elections is more a bigger issue. Yes, that's right. And this is the third Olympics. As you said, she herself should have been more careful. You need to. You can't just leave things to. And she's not somebody that is new to the game. Yes. As yourself probably. It's not as if she doesn't have any responsibility in the matter. She also bears responsibility. Well, that's it. I hope something good comes out of it. That's all that one can hope for. But in the meantime, congratulations, Neeraj Chopra. Silver medal. We were hoping for a gold. But as soon as Arshad Nadeem crossed 90 meters, 92.97 meters, almost 93, that was it. We knew immediately that the best we could hope for was a silver. The best is a world record. I mean, it was a world record. Oh, Olympic record, sir. So Neeraj Chopra would have to break the world record plus this record. True. Neeraj Chopra would have had first to cross 90 meters, which he has never done ever in his life or in his entire career. And he is suffering from injury. In spite of that, he got a silver for us, which is fantastic, by the way, which is a great achievement. Zabardast achievement hai sir, Neeraj Chopra ki. Log bhul jate hain. Tokyo Olympics mein gold aur idhar Paris Olympics mein silver. Huge. Absolutely huge, fantastic, absolutely fantastic. I wish it was gold, it isn't, but this is also great. This is also absolutely great. And congratulations to the hockey team. I am so happy. Back-to-back bronze medals. We haven't had that kind of happiness, Pradeep ji, since 1972. 1968, we won a bronze. 1972, we won a bronze. After that, we had to wait for 8 years. In 2000, we won a gold medal. And then after 2000, Pradeep ji, we had to come here to the Tokyo Olympics to win, to get back on the podium. The hockey team has been on the podium in two consecutive Olympics now after 1972. And this time they really worked it up. Yes. They beat the best teams. And Pradeep ji, the difference was very, very little, a very few margins. I mean, instead of Holland, it could have been India winning the gold. Let's be very clear. Oh, instead of India, it could have been Spain. It could have been anybody. But these boys are something else. Out of the world. Fantastic. Absolutely fantastic. But let's put things in perspective. Hum log 100, meri samajh mein 150, 153 crore log hain. Ye main maan karke chalta hun. Sarkar kehti hai 140 crore hain. Chalo 140 crore maan lijiye. Pradeep ji, 140 crore ka desh aur abhi tak sirf 5 medal mile hain. एक सिल्वर, चार ब्रॉन्ज और कोई गोल्ड भी नहीं, कोई गोल्ड नहीं,
सर अमेरिका को आज सुबह तक 30 गोल्ड मिल गए थे, चाइना को 29 थे, ऑस्ट्रेलिया को 18 थे, यूके को पता नहीं कितने थे, 10 के 12 उनको थे, और उसके अलावा छोटे छोटे देश, ग्रेनेडा हो गया, सेंट लूसिया हो गया, सेंट मोनिक हो गया, बर्मुडा हो गया, जमैका हो गया, अरे यार क्या है, 140 करोड़ का देश, मेरी समझ में 153 करोड़, अरे हमें तो 100 गोल्ड मेडल मिलने चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, यहाँ पर तो पता नहीं कितने 6 के 7 अमरीका समझ आते हैं इस देश में, वी आर नॉट अ स्पोर्टिंग नेशन, टिल सच टाइम एज वी स्टार्ट गेटिंग रिस्पेक्ट फॉर स्पोर्ट्स, एंड वेयर आर द गोल्ड मेडल्स कमिंग फ्रॉम प्रदीप जी, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, वेयर विच स्टेट्स, हरियाणा मोस्टली, the hockey team, there is Punjab, there is UP, there are a couple of other places. Earlier, as you've been reminding us all along, there used to be all these beautiful middle distance. आप देखिए, except PT Usha was gone as the head of the IOA. Yes, yes. मेरा ये कहना है कि sir, Kerala had a huge sporting culture. What happened to them? क्या हो क्या गया हम लोगों को? What are we doing? In any event, that's a very, very long discussion. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. Unfortunately, the gentleman from the Eknath Shinde Sena could not join us. Kiran Sonavane ji, we'll try and get him tomorrow. In the meantime, aap sab logon ko, Pradeep ji aur meri taraf se, namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji. Wo ghanti jo baj rahi hai na, subscribe kijiye channel ko. Aur comments bhi bhejiye. Comments zarur bhejiyega. Subscribe zarur kariye. कमेंट भेजिए और शेयर भी कीजिए अगर करना चाहते हैं तो. आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव.